डियर स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू लर्न द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर द बिज बिल्डर एज यू कैन सी यर इज द एटींथ चैप्टर ऑफ योर स्पेशल इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑफ का स्टेंथ द पोइट ऑफ दिस पोएम इज विलन डोंगो आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे यह एक पोइट हुई है जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति है जो कि एक खाई पर पुल बनाता है ताकि इसके आगे पीछे चलने वाला जो नौजवान है वो बिना किसी खतरे के उस खाई को उस बहते हुए नाले को पार कर सके तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज में द फर्स्ट वन इज वरी सेक्शन इसमें पहला हिस्सा है शब्दकोश का इसमें देखिए द फर्स्ट क्वेश्चन इज नोट डाउन द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड बिज इन योर नोट बुक एंड यूज दम इन योर ओन सेंटेंसेस बिज की अलग अलग मीनिंगस बताइए ब्रिज जो है कई अर्थों में उपयोग किया जाता है उसको आप अपनी नोटबुक में लिखिए और उसको अपने सेंटेंसेस में भी यूज करिए तो चलिए देखते हैं इसके कितने यूज हो सकते हैं मैंने तीन चार यहाँ लिखे हैं पहला है बिज मीन्स आई स्ट्रक्चर ऑफ वुड और कॉन्क्रीट आप सब जानते हैं लकड़ी या लोहे और गिट्टी वगैरह का जो हम एक स्ट्रक्चर बना देते हैं नदी के ऊपर या और कहीं भी तो उसे हम ब्रिज कहते हैं सेंटेंस कैसे बनेगा देयर इज अ ब्रिज ऑन नदी पर एक ब्रिज बना हुआ है दूसरा है ब्रिज मीन्स कनेक्शन होता है जोड़ना कन्वर्सेशन इज़ नेसेसरी टू बिज द कल्चर कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे सांस्कृतिक संघर्ष होते हैं दो कल्चरों के बीच में जो संघर्ष की स्थिति निर्मित होती है उसको बिज करने के लिए उसको जोड़ने के लिए हमको बात करना बहुत आवश्यक है हमें एक समाज से दूसरे समाज के लोगों को आपस में बात करते रहना चाहिए फिर थर्ड है बेज यानी हार्ड अपर पार्ट ऑफ नोज नोज के ऊपर का जो कठोर मजबूत सा हिस्सा होता है उसे भी हम बेज कहते हैं एग्जाम्पल द गॉगल्स डू नॉट फिट ऑन माई बेज जो ये चश्मे हैं ये मेरे नाक के जो बेज है ये उस पर ठीक से फिट नहीं हो पाते हैं और चौथा अ डिवाइस फॉर फिक्सिंग टीथ दांतों को फिक्स करने की एक डिवाइस होती है एक उपकरण होता है जिसको भी हम विज कहते हैं एग्जाम्पल फिक्स द डेंचर विद द बिज नकली दांत जो है आप लगवा रहे हैं उसको विज की मदद से फिक्स कर दीजिए उसके बाद सेकंड है वोकेबलरी आइटम में वर्ड्स बिगनिंग विथ सी एच मे हैव डिफरेंट साउंड्स इन प्रोनाशिएशन बहुते समय सी एच से शुरू होने वाले शब्दों के जो प्रोनाशिएशन है उच्चारण है वो अलग अलग होते हैं फॉर एग्जाम्पल सी एच ए आर सी टी ई आर कैरेक्टर एंड सी एच ए आई आर चेयर यहां हम का बोल रहे हैं यहां चा बोल रहे हैं मेक अ लिस्ट ऑफ सच बर्ड्स आप इस प्रकार के कुछ शब्दों की सूची बनाइए यू कैन फाइंड ल लॉट ऑफ वर्ड इन योर इंग्लिश डिक्शनरी फास्ट सच टाइप स्टार्टिंग विथ सी एच आई हैव मैं फोर फाइव वर्ड्स ईयर द फर्स्ट वन इज क्वास क्वास और यहाँ अगर देखें पहले इन्हीं को पढ़ लेते हैं केमिकल कॉर्ड कोरस क्रोनिक एंड कॉलेरा इधर चेयरमैन चाक चांद चैप्टर चीप एंड चार्ज तो ये कुछ हैं जिसमें इधर सी एच यानी चा से शुरू होता है और सी एच यहाँ का से शुरू होता है उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट ट्वेंटी फाइव वर्ड ये आपका कॉम्पिहेंशन सेक्शन है समझ आधारित हिस्सा है इसमें आपके जो भी क्वेश्चन हैं उसके आपको उत्तर ट्वेंटी फाइव वर्ड्स में देते हैं तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है टू व्हाट डिड द ओल्ड मैन कम ऑन द हाईवे एंड व्हाट डिड ही डू इन द ट्वाइलाइट। कहने का मतलब ये है कि ये बूढ़ा व्यक्ति हाईवे पर चलते चलते किस जगह पर आ गया एंड व्हाट डिड ही डू इन द ट्वाइलाइट? और शाम के समय ट्वाइलाइट यानी होता है सूरज जब डूबने की स्थिति में होता है गोधोरी वेरा या डस्क भी आप कह सकते हैं डी यूएस के डस्क तो उस समय उसने क्या किया आंसर देखिए द ओल्ड मैन केम ऑन द हाईवे टू अ कैजम हाईवे पर चलते समय वह एक कैजम यानी एक खाई के आसपास आया खाई मीन्स होता है एक ऐसी सड़क जहाँ एक दरार हो जाए बड़ी सी जिसको फिर पार करना आसान ना हो ही क्रॉस द कैजम सेफली इन द टराइड वह शाम के समय में उस कैजम को उस खाई को उस दरार को बड़ी ही सुरक्षित तरीके से पार कर गया उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वट डिड द ओल्ड मैन डू वैन ही रीच्ड सेफली ऑन द अदर साइड ऑफ द कैजम एंड वाई डिड ही डू सो कैजम के, के अदर साइड उस खाई उस दरा के दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंच जाने के बाद उस ओल्ड मैन ने व्हाट डिड क्या किया व्हाट डिड द ओल्ड मैन डू एंड व्हाई डिड ही डू सो और उसने अगर किया तो क्यों किया आंसर देखिए द ओल्ड मैन अ अज यहां अबिज दो बार हो गया है द ओल्ड मैन अ अज ऑन इट उस कैजम के ऊपर उस ओल्ड मैन ने एक ब्रिज बना दिया When ही reached safely ऑन द अदर साइड ऑफ द कैजम जब वह उस खाई के दूसरी तरफ पहुंच गया तो उसने उस खाई के ऊपर एक ब्रिज बना दिया पुल बना दिया ही बिल्ट द ब्रिज उसने पुल इसलिए बनाया सो दैट ताकि द यंग मैन कुड क्रॉस द कैजम safely। उसके पीछे आने वाला जो युवा व्यक्ति है जो अनुभवी नहीं है इनएक्सपीरियंड है इनएक्सपीरियंस्ड है वह उसको भी सुरक्षित तरीके से पार कर जाए उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड द ओल्ड हिम अबाउट हिज अटेम्प्ट एट बिल्डिंग अ ब्रिज अक्रॉस द कैजम उस कैजम के ऊपर जब वह ब्रिज बना रहा था तो उसके ब्रिज बनाने के अटेम्प्ट यानी प्रयास के बारे में उसके फेरो यानी पीछे चलते चलने वाले जो और पिलग्रिम्स थे उन्होंने क्या बोला जब वह बूढ़ा व्यक्ति पार खाई पार करने के बाद वहाँ ब्रिज बनाने लगा तो उनके साथ ही जो तीर्थ थे, थे पिलग्रिम्स थे उन्होंने क्या बोला आंसर देखिए द ओल्ड मैं पिलग्रिम टोल्ड हिम दैट ही हैड ऑलरेडी कास्ट द कैजम उस जो बूढ़ा तीर्थयात्री उसके पीछे चल रहा था उसने कहा कि आप तो पहले ही इस कैजम को क्रॉस कर चुके हैं एंड प्रोबेबली ही वुड नॉट क्रॉस इट अगेन एज हिज एंड वाज नियर और वह दोबारा इस रास्ते पर आएगा भी नहीं क्योंकि उसका अंत निकट है क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका है उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है ही वाज वेस्टिंग हिज स्ट्रेंथ इसलिए वह अपनी शक्ति को नष्ट कर रहा है क्योंकि वह जानता है कि वह लौट कर यहाँ से दोबारा नहीं आएगी लेकिन आप जानते हैं कि वह बूढ़ा व्यक्ति अपने लिए नहीं बल्कि अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए उस पुल को बना रहा था उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट डिड द ओल्ड मैन टेल हिज पिलग्रिम ऐसा कहने के बाद जब उसका साथी तीर्थयात्री उसको बोला ऐसा कि आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं वेस्ट कर रहे हैं खराब कर रहे हैं तो उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या बोला आंसर देखिए द ओल्ड मैन टोल्ड हिज पिलग्रिम दैट उसने अपने साथ चलने वाले तीर्थयात्री से कहा कि ही वॉज विल्डिंग द बिज फॉर द यंग मैन वह उस युवा व्यक्ति के लिए ये पुल बना रहा है हु वुड फॉलो हिम जो उसके पीछे आएगा ही माइट फॉल इन टू द कैजम इन टिम साझ के अंधेरे में संध्या के इस अंधेरे धुंधरे समय में वह इस कैजम में वह इस खाई में गिर भी सकता है वह सुरक्षित इसको पार कर ले इसलिए वह ब्रिज बना रहा है पुर बना रहा है इसके बाद सेक्शन बी में आते हैं आंसर द फॉलोविंग क्वेस्टन इन अबाउट फिफ्टी वर्ड्स एच पचास शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर देना है इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मोरल कन्वेड बाय द ब्रिज बिल्डर यहां जो ब्रिज बिल्डर है, है, है कौन सी नैतिक शिक्षा हमको देता है तो इसका आंसर है द ब्रिज बिल्डर कन्वेड द मोरल दैट वी शुड बी गुड ब्रिज बिल्डर ने हमको ये नैतिकता सिखाई है कि हमें हमेशा गुड होना चाहिए अच्छा होना चाहिए वी शुड बी हेल्पफुल एंड जेनरस टुवर्ड्स पीपल इवन टू द स्ट्रेंजर्स हमें लोगों के प्रति हेल्पफुल होना चाहिए मददगार होना चाहिए एंड जेनरस उदारता का व्यवहार करना चाहिए टुवर्ड्स पीपल लोगों के प्रति इवन टू द स्ट्रेंजर्स भले ही वो अजनबी ही क्यों ना हो जिनसे हमारा परिचय नहीं है वो भी अगर हमसे कुछ हेल्प मांगते हैं तो हमें उदारता के साथ उनकी मदद करनी चाहिए बी शुड नॉट बी सेल्फेस हमें स्वार्थ ही नहीं होना चाहिए एंड ऑलवेज केयर अबाउट द सेफ्टी ऑफ अदर्स हमेशा दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए एंड इन एक्सपीरियंस्ड पर्सन हमें दूसरों की और कम अनुभवी या अनुभवहीन लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ओल्ड मैन कॉस्ड इन द टलाइट डिम द सन स्ट्रीम हैड नो फियर्स फॉर हिम बट ही टर्नड वैन सेफ ऑन द अदर साइड एंड बिल्ट अ ब्रिज टू स्पॉन द टाइट इन लाइनों को आपको एक्सप्लेन करना है तो लुक एट द आंसर हियर द ओल्ड मैन कास्ट द कैजम एट डस्क सेफली एंड फियरलेसली थ्रू विच एन अनप्रीजेंट स्ट्रीम वाज फ्लोइंग बिकॉज ही वाज एक्सपीरियंस्ड यहां कहता है कि वह ओल्ड मैन उस खाई को कास्ट कर गया भले ही अंधकार होने वाला था उसको सुरक्षा सेफली सुरक्षित तरीके से और बिना डरे हुए वो पार गया जिस कैजम से जिस खाई से एक तेज धार वाली बहाव यानी नाला एक बह रहा था बिकॉज ही वाज एक्सपीरियंस्ड क्योंकि वह अनुभवी था वह जिंदगी के काफ़ी लंबे समय का अनुभव ले चुका था आफ्टर रीचिंग ऑन द अदर साइड दूसरी साइड पहुंचने के बाद ही बिल्ट अ ब्रिज टू क्रॉस द कैजम सो देट अंग मैन माइट नाट फॉल इन टू इट उसके बाद जब वह दूसरी साइड पहुँच गया तो उसने उस कैजम के एक्रास एक में उस कैजम के ऊपर उसने एक बिल्ड बना दिया ताकि एक यंग मैन यहाँ यंग मैन का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जो अभी तक इस दुनिया में बहुत ज़्यादा अनुभव प्राप्त नहीं किए हैं माइट नॉट फॉल इन टू इट ताकि वह इस खाई पर गिर न जाए वायर क्रॉसिंग इट इन डिमराइट जबकि वह शाम को आएगा जब अंधकार भी होने लगेगा तो वह उस समय गिर न जाए इसलिए उस बूढ़े व्यक्ति ने उस खाई पर पुल बांध दिया इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त होता है अंग्रेज चैप्टर के एक्सरसाइज और एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे नमस्कार